हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ गुजरात के बनासकांठा जिले में, खराज तहसील में। दोस्तों, जो तूफान आया है तो उसका वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि भी किस प्रकार से बादल छाए हुए हैं और तेज चल रही है, हवा तेज चल रही है। तो दोस्तों, अभी तक जो तूफान है वो कच्छ में है और कच्छ से धीरे धीरे वो चल रहा है आगे की तरफ, और वाग में आएगा, वाग के बाद खराज में आएगा, और खराज के बाद सांचौर में आने वाला है, राजस्थान में आने वाला है। तो अगर राजस्थान के जितने भी लोग हैं उसको सूचित किया जाए कि भी आप इस तूफान से आने से पहले आप उसकी तैयारियां कर लें, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी ना आए। और आप बादल देख सकते हैं हमारे कैमरे में, आपको कैमरा घुमाता हूँ तो आपको दिखता है। तो ये बादल छाए हुए हैं दोस्तों, कल से बादल आ गए थे, कल से बारिश हो रही है। और आपको जमीन दिखाता हूँ भी किस प्रकार से जमीन भीगी हुई है। देखिए, जमीन भीग गई है, बहुत भारी बारिश हुई है। और मीडिया में बताया गया है कि थराज तहसील में 1.5 इंच से भी ज्यादा बारिश होगी है, और वहां में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और बनासकांठा जो है उसका पूरे पूरा कहता है ना वो जिला, उसको भी रेड अलर्ट में घोषित कर दिया गया है। तो ये तूफान है वो सांचौर से गुजरने वाला है और आगे के आगे चलने वाला है और पटना तक पहुंचने वाला है, और बहुत तेज बारिश होने वाली है दोस्तों। तो आज 16 तारीख हो गई है, कल 17 तारीख को भी बारिश होने वाली है, लगातार 3 दिन तक बारिश होने वाली है। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कच्छ में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से कच्चे मकान है वो लोगों के गिर गए हैं, ऐसा समाचार में हमने सुना था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।